नमोथाय जय। मैं आपका दोस्त राजागर हूँ। आज फिर एक बार आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी बहुत ही सुंदर है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। आदमी कभी कभी कितना लंबा सोचता है, कितना दूर का सोचता है, लेकिन वो जानता नहीं कि हमें कितना लंबा सोचना चाहिए। और ऐसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति की ये स्टोरी, एक बुजुर्ग जो कि बुजुर्ग परिवार था, उनके बच्चों ने एक महीने का राशन उनको भरवा के दिया। एक महीने का राशन जब भरवा के दिया तो उस महीने में कुल 31 दिन आने वाले थे। उस बूढ़ी अम्मा को बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो 31वें दिन में क्या होगा, वो 31वें दिन में क्या होगा, और इस कारण उन चिंतित थी। वो इतनी चिंतित थी कि वो सोच नहीं पा रही थी। और शाम के समय में जो 30 दिन का राशन उसके पास भरा पड़ा था, तो उसमें से उसने छान छान कर वो भूसा निकाला, और भूसा निकालने के बाद में उस भूसे की रोटियां बनाई। रोटियां बनाने के बाद दोनों ही बूढ़ा बूढ़ी ने, बुजुर्गों ने वो रोटियां खाई, और खाने के बाद उसी दिन वो दोनों गुजर गए। अब 30 दिन का राशन भरा पड़ा है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। कहीं हम लोग भी इतने दूर की तो नहीं सोचते, लेकिन ये कोविड का समय है और इस समय इतने दूर का सोचना ये उचित नहीं होगा। अगर वो बूढ़ी अम्मा थोड़ा थोड़ा भी अगर बचाती 31वें दिन के लिए, तो 31वें दिन में वो अच्छे से खाना खा सकती। लेकिन उसने सोचा कि 31वें दिन में वो कैसा होगा, और इस कारण उन्होंने भूसे की रोटी बनाई, और भूसे की रोटी बनाकर वो खाकर वो गुजर गए। ऐसे तो हमारे जीवन में कई दंपतियों के जीवन में होता है, बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सारी की सारी प्रॉपर्टी का कभी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, कभी खुद के एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, और वो सारी प्रॉपर्टी छोड़कर चले जाते। तो इतने दूर का कभी ना सोचे, सोचे अभी का। आज मैं हूँ, जिंदा हूँ, तो यही मेरा आज का दिन है, और इसी दिन मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ यही हमें सोचना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और हम अपने ही पैसों का उपयोग खुद के लिए नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।